हेलो फ्रेंड्स टुडे आई एम हियर टू गिव सम सजेशन अपर गेट टू थाउजेंड सेवेंटीन रिजल्ट तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं मेंशन क्यों अपॉर्चुनिटीज़ अपटा गेट टू थाउजेंड सेवनटीन रिजल्ट कुछ पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं ये सब पॉइंट्स वन बाय वन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट हमारे पास क्या है एक एम प्रोग्राम है मास्टर इन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम सेकेंड वन आपके पास देख रहे हो आप कि एम मास्टर इन साइंस या एम टेक रिसर्च प्रोग्राम हमारे पास है सेकेंड प्रोग्राम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक पी जी डी आई नीटी मुंबई के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट हमारे पास सी एस आई आर जे आर एफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है इसके बारे में भी हम बात करने वाले नेक्स्ट हमारे पास है एफ पी एम फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फ्रॉम आई आई एम ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके पास मास्टर इन साइंस फ्रॉम फॉरन यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की कुछ यूनिवर्सिटी है कुछ जर्मनी की यूनिवर्सिटी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि गेट का स्कोर कार्ड कैसे आप यूज कर सकते हैं एंड लास्ट वन आपके पास पी एस सी उसमें हम बात करेंगे कि अगर आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है तो आप पी एस यू उसमें कहाँ कहाँ अप्प्लाई कर सकते हैं इवन आप अप्लाई भी कर चुके होंगे तो वहाँ पर आपको कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यू और जी डी पी आई वगैरह के लिए तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो ये सेवन पॉइंट्स के बारे में वन बाई वन हम डिस्कस करने वाले हैं हाँ फर्स्ट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमटेक प्रोग्राम एंड एमएस प्रोग्राम अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूँ फर्स्ट बेसिक जो डिफरेंस है आपके पास कि ये टू uh, ईयर्स आपके पास क्लासरूम प्रोग्राम है ये टू ईयर्स प्रोग्राम होता है आपके पास और एम एस रिसर्च और एम एमटेक रिसर्च ये थ्री ईयर्स के क्लास प्रोग्राम है सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ स्टाइमेंट की अगर मैं बात करूं कि आपके पास एमटेक प्रोग्राम में कितना रहता तो स्टाइमेंट आपको यहाँ पे ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड पर मंथ मिलेगा यहाँ पे स्टाइपेंट की अगर बात कर रहा हूँ ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड टू सेवेंटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड पर मंथ अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूं कि जो आई में आप अगर एमएस कर रहे हो या एमटेक प्रोग्राम कर रहे हो तो दोनों के बीच क्या बेसिक डिफरेंस क्या है आपके पास जो आप स्टडी करने वाले हो तो एम प्रोग्राम में जो मेनली फोकस होता है आपके पास ये कोर्स वर्क पे मेनली फोकस करते हैं और यहां पे आपके पास मैन जो फोकस होता है रिसर्च और थीसिस वर्क में थीसिस वर्क में यहाँ पे ज्यादा फोकस करते हैं और भी पॉइंट्स की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो जॉब अपॉर्चुनिटी वाइज आपके पास कोई डिफरेंस नहीं जॉब अपॉर्चुनिटी दोनों में बहुत ही अच्छी है आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम नहीं है हाँ दोनों में बेसिक डिफरेंस जॉब अपॉर्चुनिटी वाइज ये हो सकता है आपके पास कि अगर आप एम प्रोग्राम में टू ईयर्स प्रोग्राम में तो सेकेंड uh, ईयर में आपके पास जो भी प्लेसमेंट्स होगा आपके पास uh, आप सेकेंड ईयर में uh, प्लेसमेंट कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन अगर आप एम uh, रिसर्च प्रोग्राम में या एम एस प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो तो होगा ये आपके पास कि आप सेकंड ईयर के बाद दैट मीन्स थर्ड ईयर में जब हो गए लास्ट ईयर में तब आपके पास आप जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जो प्लेसमेंट आएगा वहाँ पे आप अप्लाई वहाँ पर आप बैठ सकते हो और वहां पर आप कन्वर्ट कर सकते हो तो बस यही डिफ्रेंस हो रहा है आपके पास कि एक साल का ज़्यादा प्रोग्राम हो रहा है तो किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि फिर वाई आई विल सेलेक्ट एम रिसर्च प्रोग्राम और एम एस प्रोग्राम अगर टू ईयर्स एम प्रोग्राम है तो फिर क्यों एम रिसर्च प्रोग्राम की क्यों नीड है कोई भी टू ईर्यस प्रोग्राम में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा तो डिफरेंस है आपके पास एमटेक प्रोग्राम में क्या आपके पास जैसे मैं आई बॉम्बे की बात करूं। और अगर मेरे को कोर ब्रांच ही है तो मेरा रैंक अगर अंडर 50 रैंक है अंडर 100 रैंक है तो मैं एमटेक प्रोग्राम अप्लाई कर सकता हूं आईआईटी बॉम्बे में लेकिन अगर मेरा रैंक अगर 400 500 है आ, आपके पास रैंक अगर ज़्यादा है तो उस केस में को एम टेक प्रोग्राम आई बॉम्बे से मिलना आसान नहीं होगा कोर ब्रांच में लेकिन अगर मैं वहीं पे अगर मैं आर में अप्लाई कर देता हूँ एमटेक रिसर्च प्रोग्राम में कई लोगों को आइडिया भी नहीं होता है आर के बारे में तो एम रिसर्च प्रोग्राम में अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पर मेरे मेरा चांसेस है आपके पास तो डिफरेंस इतना हुआ कि आपका वन ईयर ज़्यादा लगा लेकिन जब जॉब अपॉर्चुनिटी की बात आई और आप्टर थ्री ईयर अगर आप देखोगे तो जिन लोगों का रैंक आपके पास अंडर फिफ्टी रैंक था और आपका सिक्स हंड्रेड रैंक था तो आप्टर थ्री ईर्स आप देखोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी वाइज आप सेम पोजीशन में होगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एमटेक रिसर्च प्रोग्राम अगर आप आ, अप्लाई कर रहे हो और अगर आप आई से टी बॉम्बे अगर कर रहे हो तो आपके पास सेम जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी तो प्लेसमेंट वाइज दोनों सेम है सेकेंड चीज़ है कि एम टेक प्रोग्राम अगर आप टू ईर्स का टू ईयर्स अगर एम टेक प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो और अगर आपको पीएचडी में कन्वर्ट करना है तो पीएचडी में डायरेक्ट एम टेक प्रोग्राम से आप कन्वर्ट नहीं कर सकते आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा उसके बाद ही आप पीएचडी प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकते लेकिन अगर हम एम प्रोग्राम में अगर है या एम टेक अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ थ्री ईयर्स तो आगे जो नेक्स्ट टू ईयस है आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअली एम प्रोग्राम में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है तो आप पी बहुत आसान होता है तो अगर मैं पॉइंट की बात करूँ पी पीएचडी में अगर आपको शिफ्ट करना है तो जो पीएचडी वाला पार्ट होगा वो इजी होगा यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा अगर मैं पीएचडी की अगर बात कर रहा हूँ तो आपके जो गेट का जो रैंक है उस पर भी डिपेंड करता है तो आपको हमेशा केयर करना है कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास एम एस रिसर्च प्रोग्राम दैट मीन्स आर ए प्रोग्राम अवेलेबल है और एम के लिए तो आपको आइडिया रहता है कि कहाँ कहाँ पर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस पर फोकस करना है कि किन आई में एमएस प्रोग्राम अवेलेबल है जहाँ पर आपको सेपरेट अप्लाई करना है अभी टू का जब रिजल्ट आएगा और जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ऑनलाइन सबमिट करोगे फॉर्म को तो उसमें आपको केयर करना है कि कहाँ कहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हो तो ये वाले जो वाला जो सेकंड वाला पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको प्रॉपर केयर कि आप अप्लाई करोगे हाँ जैसा भी हम लोग एम और एम प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे तो मैं इसको कॉलेज वाइज फोर कॉलेज में डिवाइड किया हूँ ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी और ग्रेड डी ग्रेड ए में देख सकते हो आपके पास आई सी सी बैंगलोर रखाऊँ आपके पास और ओल्ड आई आई टीस रखाऊँ सेवन ओल्ड आई और एक आई बेंगलोर है ग्रेड बी में आपके पास हम न्यू आई आई है आपके पास आई आई से लेके आई पटना तक ग्रेड सी में एन आई टीज रखाऊँ स्पेसिफिक थ्री एन आई टीज रखाऊँ और फोर आई फोर ट्रिपल आई टीस रखाऊँ और ग्रेड डी में आपके पास कुछ स्पेसिफिक कॉलेज जहाँ पे इंडिविजुअल एग्जाम होता है आपके पास और अदर एनआईटीस और अदर ट्रिपल आई अब रखा ग्रेड वाइज कैसे डिवाइड किया कि कि आप देख सकते हो ग्रेड ए में अगर जिन कॉलेजेस को रखा हूं यहां पे अगर मैं प्लेसमेंट वाइज बात करूं तो इनका प्लेसमेंट सुपर है कंपेयर टू ग्रेड uh, बी ग्रेट सी और ग्रेड डी कॉलेज तो प्लेसमेंट वाइज आप इनको प्रीफर कर सकते हो हमेशा आप एम प्रोग्राम के लिए या एम रिसर्च प्रोग्राम के लिए आप ग्रेडिंग में बिल्कुल जा सकते हो इवन आपके पास इंटर अगर ब्रांच है आपके पास अगर आपको ओल्ड आई में मिल रहा है आई एस बेंगलोर में मिल रहा है तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो कंपेयर टू न्यू आई और एन में अगर आपको कोर ब्रांच भी मिल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग आप इंटर ब्रांच को भी ओल्ड आई में आपके पास पहले अप्लाई कर सकते हो कंपेयर टू कोर ब्रांच तो आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में आपके पास अगर आप प्लेसमेंट वाइज अगर सोच रहे हो कि आपको आफ्टर टू ईयर प्लेसमेंट वाइज जाना है तो आप ओल्ड आई टीस को मेरे अकॉर्डिंग आप प्रीफर कीजिए इंटर डिस्टिट ब्रांच में बट अगर आपको कोर ब्रांच में ही पढ़ना है आपको आगे रिसर्च में भी आप इंटरेस्टेड हो आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो किसी कॉलेज में आगे आप पढ़ाना चाहते हो तो उस केस में आप कोर ब्रांच को भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आप न्यू आई में कोर ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि इवन आपको टैग तो आई का ही मिलेगा तो आपको डिसाइड करना है कि आप सिर्फ जॉब ऑरिएंटेड हो कि आप आगे स्टडी वगैरह में जाना चाहते हो टीचिंग में जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो बट इवन अगर मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए तो ग्रेड ए में आपके पास आप इंटर ब्रांच को भी पहले सिलेक्ट कीजिए उसके बाद कोर ब्रांच को न्यू आई और जितने भी एनआईटीस है उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए और ग्रेड डी में आपके पास देख सकते हो कि इंडिविजुअल एग्जाम भी उसके होने वाले तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा तो अभी मैं वन बाई वन बात करता हूँ यहाँ पे स्पेसिफिक देख सकते हो कि मैं कुछ जगह मैंसन की हूँ आपके पास रेड कलर से आपको दिख रहा है कि आई सी में ट्वेंटी नाइन मार्च लिखा हुआ इसका मतलब किसके फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो ट्वेंटी नाइन मार्च है तो गेट का रिजल्ट ट्वेंटी सेवन को आ रहा है तो आपके पास ओनली टू डेज़ होंगे सिर्फ़ फॉर्म सबमिशन के एक और जगह आप देख सकते हो कि आई दिल्ली का भी थर्टी मार्च में मैंशन क्यों हूँ तो आपके पास थ्री टू फोर डेज है आई दिल्ली में फॉर्म सबमिशन का और आई जोधपुर में भी आपके पास थ्री टू फोर डेज है बाकी जगह मेंशन नहीं किया इसका मतलब कि बाकी सभी जगह आपके पास अप्रैल और मई में ही आपको अप्लाई करना है तो बाकी सबके लिए आपके पास टाइम होगा तो स्पेसिफिक ये थ्री आई को आप केयर करें कि यहां पे फॉर्म सबमिशन का जो डेट जो है वो इसी मार्च में तो आपको प्रॉपर अप्लाई करना है हाँ आई सी बंगलोर के बारे में आप देख सकते हो कि आई सी बंगलुरु में मैं थ्री आपके पास मेंशन किया कि एमटेक प्रोग्राम है टू इयर्स एमटेक प्रोग्राम है थ्री इयर्स एमटेक रिसर्च प्रोग्राम है और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल है अब कब आप कैसे अप्लाई करोगे कि आपको एम प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहिए कि एम रिसर्च प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहिए तो डिपेंड करेगा कि आपका गेट में रैंक क्या रहा है टू थाउजेंड का आपका गेट का रिजल्ट आ रहा है ट्वेंटी को तो अगर आपका रैंक बहुत ही अच्छा आता है अगर आपका टॉप टेन टॉप ट्वेंटी टॉप थर्टी में आता है बिल्कुल आप एम रिसर्च प्रोग्राम एम प्रोग्राम में अप्लाई कीजिए टू ईर्यस प्रोग्राम में यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो जॉब अपॉर्चुनिटीज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं प्लेसमेंट हंड्रेड परसेंट है अगर मैं रिसर्च वाइज बात करूं तो आईसी बेंगलोर से अच्छा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे इंडिया में रिसर्च वाइज आपको आगे अगर आपको कंटिन्यू करना है आपको पी प्रोग्राम में अगर जाना है तो रिसर्च वाइज आई बेंगलोर टॉप कॉलेज अकॉर्डिंग टू मी अगर सेकेंड अगर मैं बात करूँ कि आपको सिर्फ एमटेक प्रोग्राम में अगर आपके पास जाना है तो जॉब वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आफ़्टर टू इयर्स आपका जब जॉब आपका जब एमटेक कंप्लीट होगा तो प्लेसमेंट वाइज़ भी आई एस टॉप कॉलेज के कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो अगर मैं यहाँ पे कोर्सेज की बात करूँ कि आई ए सी बेंगलोर में क्या क्या कोर्सेस है तो आई एस में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कंप्यूटर इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अगर मैं कोर ब्रांच की बात करूं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम है कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आई वाले तीनों अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं तो ये ब्रांचेस है हमारे पास आई एस में जो जो मैं बात किया और अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है आपके पास तो आई आई की आप साइट पे जाइए आपको पूरे कोर्सेज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो वहाँ से आप देख भी सकते हो कि क्या क्या कोर्सेज में आपको अप्लाई करना है बट आपके पास ये थ्री कोर्सेज ही है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं सेकंड आईआईटी बॉम्बे के अगर बारे में बात करूं तो आईआईटी बॉम्बे में भी आईएससी सी के समान ही आपके पास थ्री uh, आपके पास कोर्सेस है एमटेक प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं टू ईयर्स का एम टेक रिसर्च प्रोग्राम आपके पास जो आर ए प्रोग्राम है वो थ्री ईयर्स का आपके पास यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं या डी एल डिग्री आपके स्टार्टिंग से आपके एम टेक प्लस पी एच डी फाइव ईयस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अब आई टी बॉम्बे की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई टी बॉम्बे बेस्ट इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में अगर आप प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे तो आप आई टी बॉम्बे को बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंस uh, की बात करें कि एम टेक टू ईयर्स का प्रोग्राम हो थ्री ईयर्स आपके पास रिसर्च प्रोग्राम है तो दोनों में आपके पास डिफरेंस की पहले भी बात किया हो मैं स्टार्टिंग में बात किया हूँ अभी आपके पास क्या है कि अगर मैं प्लेसमेंट वाइज बात करूँ तो प्लेसमेंट वाइज दोनों का सेम में, जैसे ऑलरेडी पहले भी मैं मेंशन कर सकता हूं यहाँ पे आपके पास स्पेशली बॉम्बे अगर मैं बात करूं। तो जो प्रोग्राम में पास से, यहां पे आपको जो की बात कियाड कि कि पर मंथ आपको उसके बाद सेकंड ईयर में सेवेंटी थार हंड्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वाइज अगर मैं बात करूँ तो एमटेक रिसर्च में ज्यादा तो है जॉब uh, अपॉर्चुनिटी जैसे मैं बात किया कि जॉब अपॉर्चुनिटी सेम है आपके पास प्लेसमेंट वाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी कंपनीज आती है आपके पास वो दोनों को सेम ट्रीट करती है आपके पास चाहे वो एमटेक रिसर्च प्रोग्राम हो चाहे वो एमटेक आपके पास टीए प्रोग्राम uh, यहाँ पे अगर मैं फीस वाइज बात करूं कि आईआईटीस में अगर मैं फीस वाइज बात करूं तो लगभग 15 से 20000 के आसपास आपके पास पर सेमेस्टर फीस आपको देना होता है किसी भी आई में चाहे वो ओल्ड आई हो चाहे न्यू आई हो किसी भी आई में फिफ्टीन से ट्वेंटी पर सेमेस्टर आपको देना होता है इसमें फूड और एकोमोडेशन इसमें इंक्लूड नहीं है ये एक्स्ट्रा आपके पास लगता है लेकिन फिफ्टीन से 20,000 पर सेमेस्टर बहुत आराम से दिया जा सकता है क्योंकि पर मंथ आपको 12,400 आपको स्टार्टमेंट मिल रहा है तो ये आराम से हम लोग दे भी सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है <coughs> अब मैं अगर कोर्सेज की बात करूँ कि आईआईटी बॉम्बे में आपके पास कोर्सेस कोर ब्रांचेस से रिलेटेड अगर आपके पास कोर्सेज़ क्या क्या है तो आईआईटी बॉम्बे में अगर मैं कोर्सेज की बात कर रहा हूँ तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ पे कोर ब्रांचेस है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कोर ब्रांचेस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम है स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रोडेंट्स अप्लाई कर सकते पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ए पावर सिस्टम कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आई एन इंस्ट्रोमेंटेशन तीनों ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं একর <coughs> চিজ कि आई बॉम्बे में जो कोर ब्रांचेस है कोर ब्रांचेस एम प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो इतना आसान नहीं होता है कि आपको एम uh, के टू ईयर्स प्रोग्राम के लिए कोर ब्रांचेस मिल जाए इवन uh, अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है अगर आप अंडर हंड्रेड अगर लाते हो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स हो इलेक्ट्रिकल हो या इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में तो इवन आपको अंडर फिफ्टी रैंक चाहिए उस केस में आप कोर ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं एम टेक प्रोग्राम में अब uh, अगर आप चाहते हो कि आई बॉम्बे से आप पढ़ना चाहते हो आप प्लेसमेंट वाइज अगर आपने आपको देखना चाहते हो कि प्लेसमेंट वाइज आपका बहुत अच्छा हो तो आप बिल्कुल एम रिसर्च प्रोग्राम में अप्लाई कीजिए इस थ्री ईयर्स का प्रोग्राम है बट जॉब वाइज अगर बात किया जाए तो दोनों का जॉब वाइज आपके पास सेम अपॉर्चुनिटी है <coughs> एक अगर मैं बात करूं तो आई बॉम्बे में इंटर जो ब्रांच है इंटर ब्रांच का जो सबसे अच्छा जो पार्ट है आई बॉम्बे का आई आई बॉम्बे में इंटर ब्रांच इवन जितने भी आई से सब आई से मैं ज्यादा वेटेज आई बॉम्बे को देता हूं जैसे यहां पे आईओ uh, है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च है जियो uh, इंफॉर्मेटिक्स है Uh, यहाँ पे जो टू थ्री ब्रांचेस है इंटर डिस इंटर डिसिप्लिनरी जो ब्रांचेस है वहाँ पे अगर आपका अच्छा रैंक भी 500 600 रैंक है और अगर आप आईआईटी बॉम्बे में अगर आपको इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच अगर मिल रहा है तो आप दूसरे जो न्यू आई से उसका अगर कोर ब्रांच भी मिल रहा है तो मैं चाहूँ मैं तो अगर बोलता हूँ कि इसको आप प्रीफर कर सकते हो आई बॉम्बे को उस केस में क्योंकि प्लेसमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो आपके पास कोर ब्रांच जो अच्छे इवन जो अच्छे एन आई टीज़ न्यू आई आई है और अगर आप आई बॉम्बे के इंटर ब्रांच को अगर कंपेयर कर रहे हो तो जॉब अपॉर्चुनिटी आई बॉम्बे में जाता है तो आप आई बॉम्बे का फॉर्म बहुत अच्छे से फिलअप कीजिए अगर आपका अंडर फाइव हंड्रेड रैंक है तो यहाँ पर आप इंटर ब्रांच में एकदम केयर करके फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको एक और डिफरेंस आपके पास कि एम प्रोग्राम जो टीए आपके पास टीचिंग असिस्टेंट और एमटेक प्रोग्राम जो रिसर्च है यहाँ पे डिफरेंस एक और आप चीज़ को आपको देखने को मिलेगा आपके पास कि <laughs> यहाँ पे पूरा का पूरा जो फोकस होगा वो रिसर्च वर्क में होगा यहाँ पे आपके पास इन ए वीक आपके पास 18 टू 20 आवर्स 20 आपको आर्स आपको यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा लैब में टीए में आपके पास 8 टू 10 आवर्स में आपके पास एक वीक में वर्क करना पड़ता है उतना चलता है आपके पास के प्रोग्राम में आप इतना वर्क करोगे इतना चलता है तो आई बॉम्बे आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है आपके पास आई बॉम्बे अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये बेस्ट होगा आपके पास अपना टू ईयर्स हो थ्री ईयर्स आप अपने आपको एक अच्छी पोजिशन में फील करोगे कि आप एक अच्छी पोजिशन में हो हाँ यहाँ पे एक और पॉइंट को आप देख रहे होंगे कि एम टे रिसर्च आपके पास थ्री ईयर प्रोग्राम है ये पी प्रोग्राम एम प्लस पी प्रोग्राम फाइव ईर्यस है यहाँ पर मैं मैंसन किया हूँ आपके पास क्या देख रहे हो आपके पास कि सी अगर आपके पास एट से ज़्यादा है इसका मतलब है कि एम प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो रिसर्च एम रिसर्च प्रोग्राम अगर कर रहे हो रहे में अगर आप हो और अगर आपका सी अगर फर्स्ट ईयर में अगर आपका सी अगर एट से ज़्यादा है तो आपका डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो सकता है आप डायरेक्ट ही एम टेक पी प्रोग्राम में जा सकते हो तो एम टेक रिसर्च का एडवांटेज ये कि आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो अपने पी प्रोग्राम में तो एम टेक रिसर्च से पी प्रोग्राम में शिफ्ट करना बहुत ही आसान होता है सी आप मेंटेन करो आपके पास सी अगर आपके अच्छा है तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो एक और चीज आपके पास कि जितने भी आई की हम बात कर रहे हैं यहां पर जो गेट का जो स्कोर कार्ड का जो वेटेज होता है स्कोर कार्ड की अगर मैं बात करूं तो लगभग सेवेंटी जो वेटेज होता है वो गेट के स्कोर कार्ड का होता है और ट्वेंटी से थर्टी के आसपास जो होता है वो पी का आपके पास वेटेज होता है तो आप रेडी रहे कि अगर आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है अगर आपको डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको मिल जा रहा है तो गुड आपका बहुत अच्छा रैंक है तो आपको डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू भी आपको एम टेक टी ए टू का प्रोग्राम मिल सकता है एम टेक रिसर्च प्रोग्राम में नॉर्मली वो काउंसलिंग के लिए आपके पास काउंसलिंग के बाद आपको वो पी uh, uh, -E के लिए आपको uh, uh, बुलाएंगे और uh, आपका इंटरव्यू के बाद ही आपको रिसर्च प्रोग्राम में लेंगे बट अगर आपका रैंक बहुत अच्छा आता है तो आपको डायरेक्ट एम काउंसलिंग के थ्रू भी मिल सकता है और अगर हर साल चेंज करता है या आई टी पर डिपेंड करता है फिक्स नहीं होता है हर साल वेरी करते रहता है तो अगर आपके पास वो काउंसलिंग के लिए बुला रहे हो और अगर वो रिटर्न या इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सेवेंटी परसेंट गेट का वेटेज सभी आई आई टी कंसिडर करती है आपके पास उसके बाद थर्टी परसेंट के आसपास पर्सनल इंटरव्यू बेस होता है आपके पास उसके बाद पूरी एक लिस्ट निकलती फाइनल लिस्ट और उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो नेक्स्ट आईआईटी दिल्ली के बारे में तो आईआईटी दिल्ली में आपके पास देख सकते हो कि आपके पास टू ईयर्स आपके पास एमटेक प्रोग्राम्स है आपके पास एमएस रिसर्च थ्री प्रोग्राम है एम आ रहे हैं आपके पास थ्री एम टेक रिसर्च थ्री ईयर्स प्रोग्राम है और एम टेक प्लस पी एच डी फाइव ईयर्स है हाँ यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि एम एस रिसर्च और एम टेक जो रिसर्च है आपके पास हो तो सेम ही है आपके पास हाँ तो बाकी जितने भी आई टी है जैसे आई आई टी बॉम्बे की बात कर रहा हूँ या आई सी बैंगलोर की बात कर रहा करूँ वे डिफ्रेंसट नहीं है एम एस रिसर्च और एम टेक रिसर्च आपके पास सेम है सिर्फ आई टी दिल्ली में ही आपके पास डिफरेंस है कि एम एस रिसर्च और एम टेक जैसे दोनों जगह अलग अलग आप अपलाई कर सकते हो आई टी दिल्ली में आपको ये न्यू चीज देखने को मिलेगी बाकी जगह सेम है एम एस रिसर्च हो चाहे एम टेक रिसर्च हो एक और आपके पास जो आई दिल्ली में जो यूनिक चीज़ है आपके पास कि यहाँ पर एम प्रोग्राम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं इसका मतलब है कि जो जॉब कर रहे हैं आपके पास उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम एम प्रोग्राम कर सकते हो आप एम प्रोग्राम भी पार्ट टाइम ज्वाइन कर सकते हो हाँ पी प्रोग्राम पार्ट टाइम नहीं है लेकिन दोनों प्रोग्राम पार्ट टाइम भी अवेलेबल है आई आई दिल्ली में एक और चीज़ आपके पास कि हर आई में जब भी आपके पास आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे आपके पास रिटर्न या इंटरव्यू होगा तो सभी जगह सेवेंटी वेटेज है गेट का स्कोर कार्ड यहाँ पर भी सेवेंटी वेटेज है लेकिन आई आई दिल्ली एक ऐसा आई आपके पास जहाँ पर एकडमिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका स्कोर अगर आपके पास अगर गेट में अगर आपका रैंक अगर वन थाउजेंड के आसपास है और आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है आपका सीपीआई पी एट से ज़्यादा है सीपीआई आपका टू वर्ड्स नाइन है तो बिल्कुल आप आई आई दिल्ली को आप प्रॉपर अप्लाई कीजिए आई आई दिल्ली आपकी आपको मिलने के चांसेस बढ़े जाएंगे इसका मतलब फोर कि आपके आप, आपके फ्रेंड अगर आपका 400 है आपके फ्रेंड करें और आपका अगर 1000 रैंक है और आपके फ्रेंड सीपीआई अगर सिक्स है और आपका सीपीआई अगर एट पॉइंट फाइव या टू वर्स नाइन पॉसिबिलिटी ज्यादा है इवन आपका गेट का स्कोर थोड़ा सा कम है उसके बाद भी तो सिर्फ आई आई टी दिल्ली सिर्फ एकेडमिक पर फोकस करता है बाकी कि किसी भी दूसरी जितनी भी रिमेनिंग जो आई टीज है न्यू या ओल्ड आई आई टीज वो लोग एकेडमिक पर इतना फोकस नहीं करते इसका मतलब है कि आई आई टी बॉम्बे आई एस सी बेंगलोर आपका अगर सीपीआई सिक्स है इवन आपका सेकेंड डिवीजन है तो भी बाकी आईआईटी से इतना फोकस नहीं करते लेकिन अगर आपका सीपीआई अगर आपका सेकेंड डिवीजन है अगर आपका बी बैचलर जो डिग्री है तो फिर आई दिल्ली हो सकता है आपको ना ले तो आई आई टी दिल्ली इसमें एकेडमिक में फोकस किया जाता है तो आपको ये केयर करना है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो एम प्रोग्राम है जितने भी आई में आपको सिंगल फॉर्म से जो भी आपको एम में जो भी कोर्सेज़ है आप एक साथ बाकी आई आई टी एस में फिलअप कर सकते हो लेकिन आई दिल्ली में एम टेक जितने भी कोर्सेस है उसके लिए इंडिविजुअल आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा इसका मतलब कोर ब्रांचेस अगर आप आई दिल्ली में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो मोर देन टू थ्री अगर आप कोर्सेज अप्लाई करना चाहते हो तो सबका इंडिविजुअल सेपरेट फॉर्म आपको सबमिट करना होगा इसका मतलब है कि आप आपको फॉर्म सबमिशन के समय बहुत केयर करना होगा आई दिल्ली का अगर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो कि आपको इंडिविजुअल कैसे आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हो तो आप आई दिल्ली की वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि क्या क्या कोर्सेस है जैसे कुछ कोर्सेस अगर जैसे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है कि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टूडेंट्स हैं वो कोर ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं वी एल एस टूल एंड टेक्नोलॉजी है VLSI, पावर uh, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टूडेंट जो कोर ब्रांचेस आपके पास पावर टाइम्स में अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन एंड ड्राइव्स हैं पावर सिस्टम्स हैं ये तीनों ही ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांचेस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं एक कंट्रोल एंड आटोमेटेशन कंप्यूटर uh, टेक्नोलॉजी है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो आई दिल्ली में इंटर डिसिप्लिन्री ब्रांचे में बहुत सारे अवेलेबिलिटी है आपके पास तो इंटर डिसिप्लिनरी जो ब्रांचेस है वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है आप अगर आई दिल्ली की साइड पर जाओगे तो आपको इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच भी मिलेगा तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो तो आई दिल्ली भी आपके पास प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई दिल्ली भी मैं बोलता हूँ कि आई बॉम्बे uh, के बाद आई दिल्ली का नंबर आता है यहाँ पर भी प्लेसमेंट वाइज हंड्रेड प्लेसमेंट है टू ईर्यस अगर आप अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हो आपके पास तो आप यहाँ पे भी प्लेसमेंट अच्छी कंपनीज का प्लेसमेंट आपको मिल सकता है तो आप टू ईयर्स क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो थ्री इयर्स आप रिसर्च प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो तो यहाँ पर आप आई दिल्ली में फोकस कीजिए आपका गेट का स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आई दिल्ली में अच्छे से आप अप्लाई कीजिए हाँ huh. नेक्स्ट हम आई uh, की बात करें नेक्स्ट आई आई टी कानपुर आई मद्रास और आई खड़गपुर आप प्रायोरिटी वाइज में आई कानपुर आई मद्रास और आई टी खड़गपुर को कर सकता हूँ बट ब्रांच पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सी ब्रांचेस में आप ऑप्ट कर रहे अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईआईटी कानपुर में आपके पास एमटेक प्रोग्राम टू इयर्स प्रोग्राम है और पीएचडी एच फाइव ईयस प्रोग्राम इसका मतलब ये हुआ कि आईआईटी में आपके पास एमटेक रिसर्च या एमएस प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है टू ईयर्स और फाइव इयर्स ही पी प्रोग्राम और एक एम टे टू प्रोग्राम है आई टी खड़गपुर में सेम आपके पास एमटेक आपके पास टू ईर्यस प्रोग्राम और पीएचडी एच डी फाइव ईर्स प्रोग्राम है आई मद्रास की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एमएस रिसर्च प्रोग्राम भी अवेलेबल है थ्री ईयर तो केयर करना आपके पास तो आई कानपुर में आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है आई टी खड़गपुर में टू ऑप्शन है आई मद्रास में आपके पास एम का भी ऑप्शन है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं मैंशन किया ये इंटर ब्रांच है आपके पास जैसे मटेरियल साइंस में आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में ई और डब्ल्यूर आई अप्लाई कर सकते हैं फोटोनिक साइंस में ऑल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग आपके पास ये ई जो ब्रांच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा आई टी कानपुर में अगर आप पता करोगे तो इसका जो प्लेसमेंट वाइज आई का जो प्लेसमेंट वाइज सभी के लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रैंक अगर वन थाउजेंड के आसपास है आप आई में अप्लाई कीजिए यहाँ पर आपको रिटर्न और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपके पास अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो प्लेसमेंट वाइज आपको यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इसका जो कोर्स है वो भी आपके पास बहुत ही सिंपल है बहुत ज़्यादा आपके पास टफ नहीं होगा टू ईयर्स आप आराम से कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हो तो आई एम आप अच्छे से अप्लाई कीजिए आईआईटी uh, आई मद्रास की अगर मैं बात करूँ आपके पास तो यहाँ पे इंटर ब्रांच के नाम पे सिर्फ एक क्लिनिकल टेक्नोलॉजी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और आईएन एन तीनों ही लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्लिनिकल टेक्नोलॉजी के बारे में उतना ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है कि इसका कितना आगे आपके पास वेटेज होगा और इसका कितना प्लेसमेंट है तो थोड़ा सा आप इसका आइडिया इसका पता कीजिएगा कि क्लिनिकल टेक्नोलॉजी में आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आगे इसका और क्या फ्यूचर आपका आफ्टर तक टू ईयर्स आपके टू ईयर्स के बाद आप कैसा देखते हो ये आप आई मद्रास में देख सकते हो आई आई टड़गपुर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आई एम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आपके पास यहाँ पे भी इंटर डिसप्लिनरी ब्रांच है और यहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं प्लेसमेंट वाइज आई ई एम यहाँ पर जो है प्लेसमेंट वाइज यहाँ पे भी गुड है यहाँ पे प्लेसमेंट वाइज आपको अच्छा मिल जाएगा आफ्टर टू ईयर्स जैसे आई एम यहाँ पे आपके पास प्लेसमेंट वाइज गुड है वहाँ पर भी आई आई में भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो है वहाँ पर प्लेसमेंट वाइज आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो ये तीनों आई में आपके पास आप एम टेक टू प्रोग्राम अच्छे से अप्लाई कर सकते हो अगर आपका अच्छा रैंक अगर आता है आपकी पास अंडर 1000 थाउजेंड रैंक है फिफ्टीन हंड्रेड रैंक है आप एम टेक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कीजिए अगर आपका फिफ्टीन हंड्रेड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंडर अगर रैंक है आपके पास तो आप पी प्रोग्राम के लिए जा सकते हो आप एम प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पे आप आराम से टू ईयर्स और फाइव ईयर्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो हाँ लास्ट आई आई टी रुको और आई टी गोहाटी बचा आपके पास ग्रेडे कॉलेज में आपके पास ओल्ड आई आई में आई आई टी रुकी में देख सकते हो कि एम टेक टू ईयर्स प्रोग्राम अवेलेबल है और पी एच डी फाइव ईयर्स प्रोग्राम है दैट मीन्स अगेन यहाँ पे आपके पास एम टेक रिसर्च और एम रिसर्च प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है डायरेक्ट पी एच डी फाइव ईयर्स है और एमटेक टू ईर्स है यहाँ पे आपके पास कोर ब्रांचेस में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है आपके पास जब आप आई टी रुकी की वेबसाइट में जाएंगे तो आप देखेंगे कोर ब्रांचेस कोर जो ब्रांचेस है वो बहुत सारे ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रोमेंट स्टूडेंट के लिए इवन इंटर ब्रांच आई आई रुड़की में सबसे ज्यादा ऑप्शन है आपके पास तो अगर आपका रैंक अगर टू थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री अगर रैंक है तो आप इंटर ब्रांच आई आई रुड़की में बहुत ही प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट अगर मैं आई टी गुवाहाटी की अगर बात करूं तो आई आई टी में सिर्फ एम टेक टू प्रोग्राम अवेलेबल है यहाँ पे कोई पी प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है यहां पे रिसर्च का कोई भी प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है इवन यहाँ पे आई गुवाहाटी में इंटर ब्रांच भी अवेलेबल नहीं है तो आई गुवाहाटी में अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो फोर कोर ब्रांचेस आपके पास अवेलेबल है आई गुवाहाटी में एक सिग्नल प्रोसेसिंग है एक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है एक कंट्रोल एंड पावर सिस्टम ब्रांच अवेलेबल है तो ऐसे आई टी गुवाहाटी में आपके पास फोर कोर ब्रांचेस अवेलेबल है तो ये टू लास्ट आई से आपके पास यहाँ पे आप एमटेक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो तो so नेक्स्ट आपके पास ग्रेड बी कॉलेज के बारे में बात करते हैं ग्रेड बी कॉलेज में सब न्यू आई के रखा गया आपके पास नाइन आपके पास न्यू आई टीस है आई आच यू आई टी हैदराबाद गांधीनगर भुवनेश्वर जोधपुर इंदौर पटना रोपर एंड मंडी ये आपके पास न्यू आई टीज़ है ग्रेड सी कॉलेज में आप देख सकते हो कि आपके पास थ्री एन कॉलेज को रखे हम लोग एन आई टी एन आई वारंगल एन आई टी और लास्ट में आपके पास आ, फोर ट्रिपल आई आपके पास है हैदराबाद बेंगलोर भुवनेश्वर एंड पुणे अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूँ कि ग्रेड बी और ग्रेड सी कॉलेज में क्या डिफरेंस है तो ये सब न्यू आई है इसमें अगर मैं स्टाइपिन की अगर बात करूँ आपके पास कि ग्रेड बी कॉलेज में कितना आपके पास है तो सेम आपके पास ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ तो स्टाइपिन वाइज अगर हम बात करें तो ग्रेड बी और ग्रेड सी कॉलेज में सब में सेम है आपके पास बस फीस वाइज अगर मैं स्ट्रक्चर की अगर बात करूं जो आपको पर सेमेस्टर फिर सबमिट करना है वो डिफरेंट है न्यू आई में आपके पास 15 टू 20,000 आपके पास के पर सेमेस्टर आपके पास फीस है इसमें एक्सक्लूड है आपके पास एकॉमडेशन एक्सक्लूड है आपके पास फूड एक्सक्लूड है ये पर सेमेस्टर आपके पास फीस है लेकिन ग्रेड कॉलेज में अगर आप देख रहे हो कि अगर मैं एन की बात कर रहा हूँ आपके पास अभी मैं टॉप एन की बात कर रहा हूँ ग्रेड सी में टॉप एन को रखा हूँ यहाँ पे फोर्टी टू सेवनटीन थाउजेंड डिपेंड्स अपन द एन पर सेमेस्टर आपके पास इतना फीस आपको डिपोजिट करना पड़ेगा लेकिन अगर मैं ट्रिपल आई की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ट्रिपल आई की फीस डिफरेंट है आपके पास हैदराबाद की सेवेंटी पर सेमेस्टर है आपके पास बैंगलोर नाइनटी पर सेमेस्टर है ट्रिपल आई टी पुणे नाइन्टी फाइव थाउजेंड है भुवनेश्वर एटी एट पॉइंट सेवन फाइव है अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास अगर न्यू आई की फीस अगर फिफ्टीन टू ट्वेंटी थाउजेंड पर सेमेस्टर है तो वाई आई विल सेलेक्ट Uh, ट्रिपल आई टीस हैदराबाद बेंगलोर पुणे तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात अगर करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास अच्छी खासी न्यू आई में आपके पास कोर ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हो uh, आई आई वगैरह में पी वगैरह प्रोग्राम भी अवेलेबल है uh, आई हैदराबाद में आर का भी प्रोग्राम अवेलेबल है बाकी जितने भी जो न्यू आई है सब में एम प्रोग्राम ही लगभग अवेलेबल है अभी आप देख लूंगा कि मैं आ, आई हैदराबाद और ट्रिपल आई हैदराबाद में जैसे स्टार मार्क करके रखा हूँ तो जितने भी न्यू आई आपके पास है उसमें से जो इमर्जिंग जो आ, आई टी आपके पास आई हैदराबाद आपके पास पूरे जितने भी ओल्ड आई टी से उसको भी कॉम्पिटिशन दे रहा है इसका मतलब है कि आप आई हैदराबाद को अपनी लिस्ट में एकदम वेटेज पर रखिएगा अगर आई हैदराबाद में अगर आपको कोई कोर ब्रांच मिल रहा है तो बिल्कुल यू कैन गो फॉर आई टी हैदराबाद तो आई टी हैदराबाद को आप वेटेज वाइज आप ज़्यादा रखिएगा आई टी हैदराबाद में कोई भी अगर आपको ब्रांच मिलता है तो यहाँ पर प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी बाकी न्यू आई टीस के कम्पेयर में ज़्यादा है तो आई टी हैदराबाद मेरे अकॉर्डिंग तो इसको टॉप में रखिएगा आई टी बी एच यू पहले से स्टेबलिस आपके पास आई 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 टी है बाद में आपके पास इसको कन्वर्ट कर दिए आई टी में लेकिन ये पहले से स्टेबलिस कॉलेज है तो आई टी बी एच यू इसमें भी, भी आपके पास ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर भी प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी अच्छी है यहाँ पे जो एन आई टी की अगर मैं बात कर रहा करूँ ग्रेट सी कॉलेज में कि जो टॉप एन आई टीस रखा हूँ एन आई टी त्रिच है वारंगल सूरत कल यहाँ पे अगर आपको कोर ब्रांच अगर मिलता है आपके पास तो बिल्कुल आप एन आई टी सेलेक्ट कर सकते हो ये टॉप एन आई टी से यहाँ पे प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी अच्छी खास रहती है टू ईयर्स आप हार्ड वर्क कीजिए जब भी कंपनी आती है आप कन्वर्ट कर लीजिए आपके पास तो ये आप एन आई टीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो अब स्पेसिफिक अगर मैं रीजन की बात करूं कि ट्रिपल आई में फीस देख सकते हो आपके पास बहुत ज्यादा है पर सेमेस्टर फीस अगर बहुत ज्यादा है आपके पास तो ट्रिपल आई में अगर फीस अगर पर सेमेस्टर इतनी ज्यादा अगर आपके पास और इकोनॉमिकल वाइस अगर आप बहुत स्ट्रांग नहीं हो तो फिर उस केस में आप क्या करोगे तो ट्रिपल आई में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप बैंक वगैरह से लोन ले लीजिए लेकिन अगर यहाँ पे फीस अगर आप इतना सबमिट करते हो तो यहाँ पे प्लेसमेंट की भी गारंटी है इवन ट्रिपल आई हैदराबाद में हंड्रेड प्लेसमेंट की गारंटी है अगर आप इतना फीस सबमिट करते हो टू ईर्यर्स अगर अच्छा वर्कआउट करते हो तो यहाँ पे प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इवन लास्ट टू ईर्यर्यस थ्री ईयर्स में प्लेसमेंट लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैकेज में हुआ ट्वेल्ल लाख फोरटीन लाख से आसपास हुआ है तो ट्रिपल आई हैदराबाद को आप अपने वेटेज में रखिएगा इसका मतलब है कि अगर आई हैदराबाद या ट्रिपल आई हैदराबाद दोनों में अगर आपको चांसेस मिलता है तो बिल्कुल आप इसको सेलेक्ट कीजिए आपके पास और अब आप आपको ब्रांच वाइज देखना है कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल रहा है तो आप इसकी वेबसाइट में जाइएगा आपको दिखेगा आपके पास क्या क्या ब्रांचेस अवेलेबल है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इनके डेट वगैरह का केयर कीजिएगा कि इनके डेट वगैरह कब है आपके पास फॉर्म सबमिशन कैसे है तो फॉर्म प्रॉपर केयर करके फॉर्म को सबमिट कीजिएगा तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद ट्रिपल आई टीस जितने भी आपके पास इसमें जो फीस अगर आपको दिख रहा है कि फीस इसमें ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी भी है तो फीस के लिए अगर आप ज़्यादा वरी ना करें तो आप बिल्कुल ट्रिपल आई टीस ज्वाइन कर सकते हो हाँ नेक्स्ट हम पी जी डी मुंबई के बारे में बात करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इसका जो कोर्स है वो लाइक एम बी के समानी पूरा का पूरा इसका जो कोर्स है ने कॉलेज एक्चुअली एम कॉलेज ही है Uh, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स में कवर किया हूँ सबसे फर्स्ट पॉइंट कि आपके पास इसका जो लास्ट जो फॉर्म का सबमिशन का जो डेट है वो थर्ड अप्रैल है तो इसको केयर कीजिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा होगा ट्वेंटी सेवन अप्रेल ट्वेंटी सेवन मार्च के बाद आपके पास कम टाइम है सेकंड चीज़ आपके पास कि इसका जो स्टाइपेंड है वो सेम ही आपके पास जैसे आई में ट्वेल्ल पर मंथ है वो सेम ही आपके पास अब अगर इसमें आप एक्सपेंस की बात करो इसमें जो फीस आपके पास आपको जो डिपॉजिट करना है वो आप देख सकते हो कि एट लाख ,00 पर टू ईयर्स तो ये टू इयर्स के लिए आपके पास पूरा जो एक्सपेंस आपके पास जो होगा वो एट लाख होगा तो ये आपके पास देख सकती है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है आपके पास यहाँ से अगर आप आ, आ, टू इयर्स का अगर कोर्स कर रहे हो अब अगर यहाँ पे अगर एक्सपेंस अगर इतना ज़्यादा है आपके पास तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट तो है वो हंड्रेड प्लेसमेंट है इवन आपके पास अगर आप सैलरी पैकेज देखोगे तो टॉप आई में जो सैलरी पैकेज है वो आपके पास सैलरी पैकेज है टेन टू ट्वेल्ल लाख पर है ना इवन यहाँ पे प्लेसमेंट की गारंटी बहुत ज़्यादा है हंड्रेड प्लेसमेंट की गारंटी है अब आपका अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आप कैसे करोगे तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप लाख पर अगर टू इयर्स के लिए अगर आपके पास है तो आप बैंक से लोन ले सकते हो आपके पास बैंक आराम से आपको लोन दे देगा तो यहाँ पे वर्थ है यहाँ पे आपके पास एट टू टेन लाख अगर आपका एक्सपेंस हो रहा है तो बिल्कुल वर्थ है आपका वन ईयर में निकल जाएगा तो सैलरी पैकेज वाई ये बहुत ही आपके पास एक इंपॉर्टेंट कॉलेज है क्योंकि एम का पूरा इसमें जो कोर्स है पूरा एम का ही कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा आप देख सकते हो जितने भी आप टॉप बी स्कूल देखते हो टॉप बी स्कूल के अंदर ये भी आपके पास आता है इसका जो प्रोसीजर सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो आई से डिफरेंट है आई में आप देखते हो कि सिलेक्शन जो प्रोसीजर होता है वो सेवेंटी गेट स्कोर से लेते बाकी थर्टी रिटर्न एग्जाम लेते हैं कुछ लोग इंटरव्यू लेते हैं कुछ जगह पर रिटर्न प्लस इंटरव्यू होता है लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है गेट स्कोर अप्रॉक्सिमेटली थर्टी फाइव परसेंट के आसपास आपके पास गेट स्कोर आपके पास वो यूज़ करेंगे उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन है जीडी डी फिफ्टीन परसेंट के आसपास पास जे का वेटेज है उसके बाद जो पर्सनल इंटरव्यू लगभग थर्टी परसेंट्स है उसके बाद टेंथ और ट्वेल्थ का भी आपके पास वेटेज है कि फाइव फाइव परसेंट टेंथ और ट्वेल्थ का जो परसेंटेज होगा उसका भी वेटेज होगा और लास्ट में जो आपका जो बैचलर डिग्री होगी उसका टेन परसेंट वेटेज है इसका तब जो पूरा कॉम्बिनेशन है हंड्रेड परसेंट वैसे करके डिवाइड कर देंगे तो अगर आप एम बी ए में इंटरेस्टेड हो और अगर आपका कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है और आप फील करते हो कि आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आप आ, 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 एक अच्छे कैंडिडेट आप हो और आप इस साइड अगर जाना चाहते हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जाना चाहते हो आपके पास और एम में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आप पी जी मुंबई में अप्लाई कर सकते हो बस आप थोड़ा सा रेडी रहे आपके पास कि आई से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर डिफरेंट है तो आप जी वगैरह में थोड़ा सा फोकस करें इसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट कर ले आपके पास तो आपका यहाँ पर जो जी का जो कॉम्पिटिशन होगा वो अच्छा खासा कॉम्पिटिशन होगा तो गेट का स्कोर कार्ड थर्टी फाइव परसेंट ही तो इसमें बहुत सारे लोग आज की डेट में अप्लाई कर रहे हैं बट अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आप इसके लिए ज़्यादा वरी ना करें एक्सपेंसिव जो पार्ट दिख रहा है इसके लिए वरी ना करें आप आराम से बैंक में लोन के लिए अप्लाई करें आपको बैंक का लोन मिल जाएगा सैलरी पैकेज एकदम सुपर है तो मैं रिकॉर्डिंग पी जी डी मुंबई ये एक, एक सुपर कॉलेज है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो हाँ नेक्स्ट हम सी एस के बारे में बात कर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जूनियर रिसर्च फेलोशिप ये फाइव ईयर्स पी प्रोग्राम है Uh, जैसे आप देख रहे हो कि फेलोशिप प्रोग्राम है आपके पास इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे कोई फीस uh, सबमिट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे कोई फीस नहीं लगता क्योंकि फेलोशिप प्रोग्राम है इसलिए इसमें कोई फीस वाला प्रोविजन नहीं है कि फीस आपको सबमिट करना होगा अभी आपके पास आपको जो आफ्टर फाइव ईयर्स आपके पास एम प्लस पी की डिग्री मिलेगी दोनों ही डिग्री आपके पास एक साथ मिलेगी लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पास कि टू ईयर्स के अंदर आपको एनरोल करना होगा पी प्रोग्राम के लिए तो फिर आपके पास फाइव ईयर्स में पी प्रोग्राम आप कंप्लीट कर सकते हो इसमें जो सबसे आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टाइफेंट जो होगा आपके पास लगभग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ आपको स्टाइफेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा एकोमडेशन वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो फूड वगैरह का रहेगा वो एक्स्ट्रा रहेगा नेक्स्ट आपके पास कि इसमें हमारे पास सी एस आई आर जे आर एफ में अगर आपको जाना है तो आपके पास एक और पॉसिबिलिटी है कि नेट का एग्जाम होता है हर साल आपके पास एक नेट का एग्जाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इसके थ्रू भी आपके पास सी एस आई आर जे आर एफ में आप जा सकते हो और ये हमारे इंडिया का बेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास कि आपको जो रिसर्च लेब में काम करने का मौका मिलेगा आपके पास इसका जो पूरा फंडिंग होता है आपके पास इंडियन गवर्नमेंट से होता है और इसमें आपको सी एस आई आर के जो भी आपके पास इंडिया के जो साइंटिस्ट है आपके पास हाई लेवल साइंटिस्ट हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा तो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो ये आपके पास प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम है बस ये कि आपके पास ये फाइव ईयर्स पी एच डी प्रोग्राम है अगर आपका रैंक कम आता है सपोज़ करो आपका टू थाउजेंड से रैंक ज़्यादा है सपोज़ करो फोर थाउजेंड है फाइव थाउजेंड रैंक है और आप अगर अगेन ड्रॉप का प्लान कर रहे हो तो आपके पास ये प्रोग्राम अच्छा है आपके पास कि वन ईयर आपका बचेगा सेकंड चीज है कि आप जैसे कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज वगैरह में अप्लाई करते हो आपको टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड के आसपास मिलता है तो उस केस में भी आपके पास सीएस आई आर जे आर का प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंग और भी ज्यादा अच्छा है उसके कंपेयर में तो, तो फाइव ईयर आराम से कंप्लीट हो जाएगा आपके पास अफ्टर तो फाइव ईयर पी एच डी जब आपका कंप्लीट होगा तो आप कहीं भी अच्छी जगह अप्लाई कर सकते हो आपके पास किसी कॉलेज की अच्छे एक एच ओडी की पोस्ट वगैरह में अप्लाई कर सकते हो बट ध्यान रखिए कि अगर आप रिसर्च में अगर आप इंटरेस्टेड है तो ही इस कोर्स में जाइएगा अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं है तो सीएसआईआर में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है ओके okay? हाँ नेक्स्ट हम एफ की बात करने वाले द फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये आई से होगा आपके पास आई एम के उनके लगता है आपके पास कि फीस वाइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है फेलोशिप प्रोग्राम है दैट मीन्स आपको फीस को डिपॉजिट नहीं करना जैसे आई में आपके पास पर सेमेस्टर आपको फीस सबमिट करना होता है ऐसा आपके पास फेलोशिप किसी भी प्रोग्राम में आपको कोई भी फीस आपको डिपॉजिट नहीं करना होता है ये अगेन ये पी प्रोग्राम से आपके पास फाइव ईयर्स पी प्रोग्राम है यहाँ पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो स्टाइपेंड है आपके पास ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से थर्टी थाउजेंड्स पर मंथ मिलेगा आपके पास इंक्लूडिंग आपके पास एकोमडेशन इंक्लूडिंग है आपके पास ये वैरी करता है आपके पास डिफरेंट आई एम्स के अकॉर्डिंग वैरी करता है आपके पास लगभग आई एमएम अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ तो ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी थाउजेंड से कुछ आई एम्स में ट्वेंटी टू से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये जो प्रोग्राम है आपके पास फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट ये सभी आई में अवेलेबल है आपके पास तो आप आई के किसी भी आपके पास वेबसाइट में अगर जाओगे तो आपको ये प्रोग्राम मिलेगा अभी प्रोग्राम में आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए अगर मैं इसकी बात करूं तो अगेन आपके पास अगर आपका रैंक कम आता है और आप अगर रिसर्च में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें आपके पास अप्लाई कर सकते हो पी प्रोग्राम फाइव ईयर्स है आपके पास लेकिन अफ्टर फाइव ईयर्स आपको जो डिग्री मिलेगी एक पी डिग्री मिलेगी वो भी एक आई से डिग्री मिलेगी तो आप ओपनली मार्केट में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो तो आप फाइव ईयर्स इस डिग्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इवन आप यहाँ पर आई से अगर आप पी डिग्री कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि इसका इंपॉर्टेंस होगा तो बस आपको बस इतना ही है आपके पास कि आपको फाइव इयर्स तक वर्क करना आपके पास अगेन अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो आपको इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहिए अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं हो और आप इतना ज्यादा फोर फाइव इयर्स अगर नहीं पढ़ सकते तो अगेन ये आपके पास ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है तो आपको डिसाइड करना है तो ये प्रोग्राम लाइक वैसे ही जैसे अभी मैं इसके पहले सी की बात कर रहा था आपके जे जो रिसर्च प्रोग्राम था आपके पास वैसे ही आपके पास फेलोशिप जो प्रोग्राम है इन मैनेजमेंट वो सेम आपके पास सही फाइव इयर्स प्रोग्राम है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो हाँ नेक्स्ट एम एस फ्रॉम फॉरन यूनिवर्सिटी थ्रू गेट तो यहाँ पे हम एम एस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कुछ फॉरन यूनिवर्सिटी में गेट के थ्रू डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है जैसे आप देख रहे हो पहला वाला एन यू एस है आपके पास नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सेकेंड एन टी यू आपके पास नैनियांग टेक्नोलॉजिकल uh, यूनिवर्सिटी ये भी सिंगापुर में और थर्ड आपके पास टी यू एम आपके पास टेक्नो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख अब इसमें अगर प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे टू इयर्स एम एस प्रोग्राम होता है आप देखते हो कि इंडिया में जो एम एस प्रोग्राम होता वो थी 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 है वो थ्री इयर्स होता है हमारे यहाँ पे जो एमटेक है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अगर मैं बाहर की बात करूँ तो वहाँ पे मास्टर एंड टेक्नोलॉजी की जगह आपके पास जो टर्मोलॉजी यूज करते हैं वहाँ पे एम -E प्रोग्राम होता है तो जैसे यहाँ पे एम प्रोग्राम है वैसे आप मान सकते हो कि आउटसाइड इंडिया आपके पास एम एस प्रोग्राम रहता है तो यहाँ पे आपके पास टू ईर्स एम एस प्रोग्राम है आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका 90 परसेंटाइल से ज़्यादा गेट में स्कोर है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रैंक अगर आपके पास फाइव है सेवन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो अब यहाँ पे अप्लाई जब आप कर रहे हो आपके पास तो यहाँ पे क्या क्या वो चेक करेंगे आपके पास आपका एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह देखेंगे क्योंकि गेट का परसेंटाइल तो बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते 90 परसेंटाइल में अप्लाई कर सकते हो तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए सेकंड चीज़ आपके पास की आप जो रेज्यूमे सबमिट करोगे वो बहुत ही प्रॉपर प्लान करके आपको भेजना होगा क्योंकि वो प्रॉपर स्कैन होगा उसके बाद ही वहाँ से कॉल आएगा आपके पास अगर आप पेपर वगैरह अगर आप पब्लिश किए हुए ड्यूरिंग आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास अगर आप पेपर एक दो पब्लिश किए हो तो इसको बिल्कुल मैंसन कीजिएगा वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास एक्सपेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि सिंगापुर जो डॉलर है इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती अगर विदाउट स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं कि विदाउट स्कॉलरशिप की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो लगभग आपके पास 17, 18 लाख के आसपास आपके पास ये टू इयर्स का आपके पास एक्सपेंस हो जाएगा और अगर आपके पास विद स्कॉलरशिप अगर आपके पास है तो ये लगभग ये विद इन टेन लाख के आसपास आपके पास टू ईयर्स का आपके पास हो जाएगा लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें आपके पास फूडिंग और एकोमडेशन ये इंक्लूड नहीं है तो अगर आप इतना एक्सपेंस अगर आपके पास कर रहे हो तो आप फिर क्यों इसमें ज्वाइन करोगे अगर मैं उसकी बात करूं तो टू आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा नहीं है और आपको लग रहा है कि बाहर की यूनिवर्सिटी क्योंकि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में अगर इसकी रैंकिंग वाइज बात करें तो टॉप टेन टॉप ट्वेंटी के अंदर लगभग ये यूनिवर्सिटी का रैंक है तो यहाँ पर आप यहाँ पर आप अगर एम प्रोग्राम अगर कंप्लीट करके आते हो तो बिल्कुल आपका जो डिग्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा लेकिन फिर भी अगर आप इतना एक्सपेंस अगर आपके पास कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि ये उसी केस में आप एक्सप्रियस करें कि अगर आप फाइनेंशियल uh, वाइज अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप इतना बी कर सकते हो तो आप बिल्कुल यहाँ पर इतना आप एक्सपेंस कीजिए आपके पास एक अच्छी डिग्री होगी आपके पास आगे चल के आपको इसका एडवांटेज मिलेगा लेकिन आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि आपका रैंक नहीं आए और आप बैंक से लोन लेके अगर आप इतना अगर एक्सप्रियस कर रहे हो तो आ, ऐसा नहीं है कि जॉब की अपॉर्चुनिटी उतनी सुपर फॉर्म में है कि आप इतना बैंक से लोन लेके आपके पास इतना एक्सपेंस कर सकते हो तो आपको ध्यान रहे कि आप इसमें तभी आपके पास इतना आपको एक्सपेंसिव वाला पार्ट यूज करना है जब आप फाइनेंशियल स्ट्रॉग हो और आपको लगता है कि आप बाहर की यूनिवर्सिटीज से एम कर सकते हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो क्योंकि अच्छा प्रोग्राम है टू ईयर्स के बाद आपको फील होगा कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एम का प्रोग्राम कम्प्लीट किए हाँ लास्ट में हम लोग पी से थ्रू गेट आ, हम बात करने जा रहे हैं आपके पास देख सकते हो कि मैं आ, कुछ पी इंक्लूड यू इनक्लूड किया हूँ आपके पास टेन पी लिखा हूँ आपके पास और इसमें कॉमन जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रोमेंटेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट अगर मैं स्टार्ट करूँ बी से तो इस बार आपके पास बी में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है आपके पास ट्वेंटी uh, से ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है इसमें अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ब्रांच वाइज की इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितना इलेक्ट्रिकल के लिए कितना इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कितना है सर्कल uh, वाइज आपके पास वैकेंसीज प्रोवाइड किया गया आप देख भी रहे होंगे अभी बस का अगर आप उसके साइड पे जा रहे होगा तो आपको दिख भी रहा होगा कि सर्कल वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी जिनका भी रैंक 1500 है 1000 थाउजेंड है वन थाउजेंड से 1500 हंड्रेड रैंक जिनका भी रैंक है वहां पे बी एस एल में अच्छे से अप्लाई करें यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे डायरेक्ट ही आपके पास बी में आपको मिल जाएगा यहाँ पे कोई जी डी वाला कंसेप्ट नहीं है तो डायरेक्ट आप अप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्ट ही यहाँ पर बी आपको मिल सकता है सेकंड अगर मैं बात करूँ तो पावर ग्रिड में वन फिफ्टी टू आपके पास सीट्स है इस और इलेक्ट्रिकल के लिए ये है इसमें भी आपके पास गेट स्कोर कार्ड के बाद जे और पी आपका होगा जो लास्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा जी डी के थ्रू होगा आप देख रहे हो कि जितने भी आपके पास पी एस सीज है जैसे आई की बात करें भेल की बात करें गेल की बात करें एन टी पी सी एच पी सी एल ओ एन जी सी नालको एन एल सी मैक्सिमम जगह सब जगह आपके पास जी डी पी आई आपके पास कॉमन चीज है कई कई बड़े डिफरेंस है आपके पास जैसे आई ओ सी एल के अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जे डी होगा ग्रुप डिस्कस होगा उसके बाद ग्रुप टास्क भी दिया जाएगा और उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्ट प्रोसेस होगा इन सभी जगह पे गेट स्कोर कार्ड का वेटेज है आपके पास 70 टू तो 80 परसेंट गेट स्कोर कार्ड ही होगा उसके बाद आपके पास 20 से 30 परसेंट आपके पास जीडीपीआई वाला जो वेटेज होगा तो जब भी आप पीएसयू के लिए जा रहे हो आपके पास तो आप जीडीपीआई वाले के लिए थोड़ा सा प्रॉपर प्रिपेयर करें उसके बाद आप इस सिलेक्शन प्रोसेस के पार्ट जब बनेंगे तो अच्छे से प्रिपेयर करके दे एन में आप देख रहे होंगे कि एन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है इस साल का 2017 का थोड़ा सा डिफरेंट है वो एप्टीट्यूड टेस्ट एक लेंगे उसके बाद वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपके पास बुलाएंगे तो उसका जो लास्ट सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा उसी पर्सनल इंटरव्यू भी, भी बेस होगा जैसे एस पी सी एल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क दोनों में से कोई एक कराया जाएगा प्लस पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि एलिमिनेशन राउंड होगा आपके पास जे डी की बाई एलिमिनेट कर लेंगे उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए बाकी लोगों को सिलेक्ट करेंगे लास्ट सिलेक्शन प्रोसेस में लेकिन बाकी जितने भी आपके पास आप देख रहे हो पी एस सी इन सब में आपके पास जे डी और पी आई दोनों का कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट होगा आपके पास उसका सिलेक्शन प्रोसेस में वो लोग यूज करेंगे अब पी एस यू की अगर मैं बात करूँ तो पैकेज वाइज आप देख सकते हो आपके पास आपको आइडिया भी है कि पैकेज वाइज सबसे ज़्यादा पैकेज आपके पास पी एस यू में मिलता है आपके पास चाहे पावर ग्रिड की बात करो आई सी एल की बात करो आप एवरेज पैकेज ही बात कर सकते हो लगभग एट लाख टू ट्वेल्व लाख टू टल्व टू थर्टीन लाख तक आपके पास पी एस यू का पैकेज रहता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है एक बी uh, टेक और बी स्टूडेंट्स के लिए कि अभी जस्ट बी कंप्लीट हुआ है उसके बाद आप डायरेक्ट जॉब में जा रहे हो आपके पास तो इतने गुड पैकेज में जा रहे हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लाइफ आप बहुत ही बेहतरीन टाइप से स्टार्ट कर सकते हो तो एम टेक प्रोग्राम अगर आप एम टे प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं हो या रिसर्च प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं हो तो बिल्कुल आप पी में अप्लाई कीजिए आपके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं जो मेंशन किया हूँ आपके पास ये सिर्फ टेन आपके पास पी एस यू मैंसन किया हूँ लगभग इस बार थर्टी से ज़्यादा पी एस सी आप गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो और भी अगर आपको इन्फॉमेसन चाहिए कि बाकी पी का क्या आइडिया है आपके पास और वहाँ कहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हो तो आप जो वीडियो डिस्क्रिप्शन हैं उसमें आप देख सकते हो कि उसमें मेंशन होगा कि एक हम फेसबुक ग्रुप बना के रखें क्लोज ग्रुप बना के रखें तो वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको उस फेसबुक जो क्लोज ग्रुप है वहाँ पे आपको बाकी इन्फॉमेशन मिल जाएगी तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ देखने को मिलेगी हाँ अभी आप देखिए कि मैं पूरे पॉइंट्स कवर कर दिया जितने भी आपके पास एम से रिलेटेड आपके जो डाउट्स थे आपके पास एम से रिलेटेड डाउट थे जो भी प्रोग्राम्स थे आपके पास पी से रिलेटेड जो डिस्कशन था पूरे का पूरा कवर कर लिया अब आपके पास रिजल्ट आने वाला है ट्वेंटी को तो आप ज़्यादा वरी ना करें रिजल्ट आपका कुछ भी आता हो सकता है आपका स्कोर बहुत अच्छा अगर आता है आपके पास तो आपके पास ऑप्शन है आपकी कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं पी में अप्लाई कर सकते हैं एम में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रैंक अगर थोड़ा सा अगर डाउन आता है आपके पास टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड ई फाइव थाउजेंड रैंक भी आता आपके पास तो आपके बहुत सारे पॉसिबिलिटी की बात किया कि आप सी में अप्लाई कर सकते हैं आपके पास आप एफ पी में अप्लाई कर सकते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास अगर आपका लो रैंक आता है आप पी प्रोग्राम में जा सकते हो तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं अगर आप वन ईयर अगर आप प्रिपरेशन किए हो अगर और आप अगर फ्रेशर हो अभी लास्ट ईयर में हो बहुत सारे लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स होंगे और आपका स्कोर अगर बहुत ज़्यादा नहीं आता है तो अगर आपका फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड में रैंक अगर आता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ड्रॉप लेना चाहो लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वन ईयर की प्रिपरेशन किए और कॉलेज के साथ अब अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन को मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि कॉलेज भी आपको देखना था तो आप वन ईयर का ड्रॉप अगर अगर आप चाहते हो कि वन ईयर का ड्रॉप के बाद मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो उस केस में आप वन ईयर का ड्रॉप ले भी सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के डेट में वन ईयर का ड्रॉप लेना ऐट दैंड इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो लाइफ का जो जो जर्नी स्टार्ट हो वो बहुत ही सुपर हो वन ईयर से इतना फर्क नहीं पड़ता बट आपको लगता है कि नहीं नेक्स्ट ईयर भी अगर मैं ड्रॉप लेता हूँ या लेती हूँ तो उसके बाद अगर उतना अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो फिर आप वन ईयरस को मत जाने दीजिए आप आपके पास जो मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स की बात किया हूँ उन डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कीजिए इवन अगर आप ड्रॉप लेने का प्लान भी कर रहे हो और आप चाहते हो कि इन सब प्रोग्राम्स में एक बार अप्लाई करके देख सकते हो तो ठीक है आपको एक्सपीरियंस होगा आप हर जगह जितने जगह अप्लाई कर सकते हो आप अभी नेक्स्ट जो टू मंथ है आपके पास आप हर जगह अप्लाई कीजिए अगर आपको कहीं पर इंटरव्यू में जगह जाने का मौका मिलता है आप इंटरव्यू दीजिए तो जब नेक्स्ट टाइम आप दोगे फिर से गेट का एग्जाम दोगे नो डाउट आपका गेट का स्कोर नेक्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा आएगा तो उस समय आपको बाकी चीज़ उसका एडवांटेज मिलेगा इवन आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा कि मेरे को कहाँ पे कौन से ब्रांचेस का कैसे सेलेक्ट करना है आपके पास तो जो एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट होगा वो भी आपके पास आ, आप उसको यूज कर सकते हो तो जो फ्रेशर लोग हैं उनसे मैं वही बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है आगे भी अपॉर्चुनिटीज रहेगी और जो ऑलरेडी जो वन ईयर का ड्रॉप ले चुके थे तो उनके लिए आसान नहीं होगा कि वो सेकंड टाइम्स आपके पास ड्रॉप ले तो उनके पास जो भी मैं ऑप्शन दिया हूँ इतने सारे जो भी हम डिस्कस कर रहे थे उन ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो आपके पास और एट द एंड आपके पास आपका ट्वेंटी सेवन का रिज़ल्ट आ ही रहा है तो ऑल द बेस्ट गाइस रिजल्ट का वेट कीजिए और जैसा भी रहेगा आपके पास आप गेट अकेडमी की हेल्प ले सकते हो आपके पास आप गेट अकेडमी भी कोई भी अगर आपके पास डाउट्स और क्वेरीज है आपके पास बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हो गेट अकेडमी आपकी हेल्प करेगा ओके थैंक यू